तो आज लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर की वोटिंग शुरू हो रही है। 15 राज्य 117 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 18 करोड़ से ज्यादा मताधिकार का आज इस्तेमाल होगा, जिसमें 2 लाख पोलिंग बूथ लगाए हैं। गुजरात की आज 26 सीटों पर एक साथ वोट डाले जा रहे हैं। 2014 में भी 117 में से 67 सीटें बीजेपी ने जीतकर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। तीसरे दौर की वोटिंग खास नजर इसलिए भी है क्योंकि कई कद्दावर नेताओं की किस्मत ईवीएम की मशीनें बंद हो जाएगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, जिसमें सुप्रिया सूले भी है, जयप्रदा है, महबूबा मुफ्ती है, साथ ही मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं की किस्मत आज ईवीएम पर बंद हो जाएगी। तो आज तीसरे चरण की वोटिंग है, इसलिए एक खास कार्यक्रम भी हमने आपके लिए है कि वोट दीजिए, सेल्फी भेजिए और शेयर ले जाइए। बिल्कुल, तो आज है भरपूर एक्शन वाला दिन। 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज तो शुरुआत के आसार है, तो बड़ा सवाल है कि खुलने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या फिर से फिसलेंगे। लेंगे इसका जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं डिंपी कालरा। तो शुरुआत हम कुछ संकेत से करना चाहेंगे, ट्रिगर से करना चाहेंगे, और सारे के सारे ट्रिगर्स में आपको ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर थोड़े अहमियत रखते हैं। ग्लोबल में भी 2 हिस्से हैं एक्चुअली, करेंसी और क्रूड का हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप में ध्यान देने वाली बात होगी कल, क्योंकि कल 2.5% एकाएक जो कच्चे तेल के अंदर तेजी आई है उसकी वजह से कल 125 बाजार को खोने पड़े। कि आज भी कच्चा तेल मुश्किल में डालेगा या फिर खबर आ गई है अब शायद क्रूड के अंदर रुकावट आ जाए, रुक जाए और बाजार के लिए थोड़ा हेल्पिंग हैंड हो जाए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत हैं, एफएंडओ की 34 कंपनी में भी हम बातचीत करेंगे, और साथ ही आज 15 राज्यों में जो 117 सीटों की वोटिंग है वो भी अपने आप पे अहमियत रखती है। इस वोट के बाद ये 1/5 है टोटल सीट्स का जिसपे आज एक साथ वोट डाले जा रहे हैं देश भर के अंदर। खैर, अब आते हैं जरा आज के एडिटर्स टेक पे। सर, एकाएक ऐसा क्या हो गया कि 34 कंपनीज को एफएंडओ की लिस्ट से, सूची से बाहर करना पड़ गया? ऐसे या वो काम अच्छा नहीं कर रहे थे या काम करने वाले लोगों को नुकसान इतना हो रहा था कि उनको सूची से बाहर करना पड़ा? नहीं, अगर नुकसान के लिहाज से देखा जाए तो फिर वायदा कारोबार होना ही नहीं चाहिए। अगर वैसे वॉरेन बफे ने एक बात बोली थी कि एफएंडओ में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वो कह रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन के बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं वो यही है। देखिए, मतलब अगर आपका बीपी लो है तो शुगर आपके लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर आपके लिए जहर है। आप किस वक्त क्या लेते हैं और आपको किस तरह की दवा की ज़रूरत है, ये काफ़ी अहमियत है। अगर आपके पास शेयर हैं और आपको पता है कि सामने इलेक्शन है और उससे पहले मुझे हेजिंग करनी है, तो आप वायदा कारोबार में ऑप्शंस के जरिए, फ्यूचर्स के जरिए हेज करेंगे। लेकिन आप सिर्फ ट्रेड करेंगे तो हो सकता है आपके लिए वो जहर का काम करें, हेजिंग के लिए हो सकता है वो एक अच्छी दवा का काम करें। तो ये आप किस तरह से किसी हर प्रोडक्ट में अच्छाई और बुराई दोनों हो सकती है और होती है और है भी, लेकिन आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये अपनी जगह। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो एनएसई का कल सर्कुलर आया है जिसमें 34 स्टॉक एक साथ उन्होंने वायदा कारोबार से बाहर किए, 196 में से 34, यानी कि लगभग आप देख लीजिए 30% से ज़्यादा आपके स्टॉक्स बाहर हो गए। ठीक है, मेरा पॉइंट 15% से ज़्यादा, मेरा पॉइंट सिंपल यहाँ पर यह है कि अगर एक कंपनी कोई भी ऐलान करती है, एक्सचेंज में फाइलिंग करती है, इन्फॉर्मेशन देती है, हमारे यहाँ ये डेवलपमेंट हुआ है, ये हम करने जा रहे हैं। आजकल तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं एक्सचेंज। अगर किसी कंपनी को लेकर मीडिया ने कोई रिपोर्ट डाल दी तो उस पर सवाल पूछते हैं कि भाई इस पे आप क्लेरिफिकेशन दीजिए, बिल्कुल दीजिए, मांगते हैं। ये 34 शेयर जो एनएससी ने बाहर निकाले हैं इस पर एनएससी को जवाब देना चाहिए, क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। जो सवाल आपके मन में आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये जवाब मैं दूं, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं, इसका जवाब एनएससी के पास होना चाहिए कि क्यों अचानक एनएससी को ऐसा लगा कि 34 शेयर वायदा कारोबार से बाहर आ जाने चाहिए। मैं इसमें नहीं जा रहा कि शेयर अच्छे हैं ख़राब है, ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, सबके अपने में। 3 रुपये में किसी को रिलायंस कम्युनिकेशन अच्छा भी लग सकता है, किसी को ख़राब भी लग सकता है, इसीलिए ट्रेड हो रहा है। शेयर अच्छे या ख़राब होना, स्टॉक्स का वायदा कारोबार के हमेशा में बैन में बने रहना, जब तक बैन में आना निकलना, ये अपनी जगह है। लेकिन उसके साथ ही साथ आप देखिए कुछ डीसीबी बैंक, कर्नाटक बैंक जैसे अच्छे शेयर भी हैं जो कभी बैन में नहीं जाते, जिनकी क्वालिटी को लेकर कभी संदेह नहीं, कभी 5% 10% का मूव भी नहीं दिखाते हैं, वो शेयर भी आप बाहर निकाल रहे हैं। कुछ शेयर लिक्विड हो सकते हैं इसलिए निकल सकते हैं, लेकिन ढेर सारे लिक्विड शेयर भी बाहर निकाल रहे हैं। कई सारे शेयर ऐसे हैं जिन्हें आपको काफी पहले से निकाल देना चाहिए था। इन्फीबीम जिस सीरीज में आपने बाहर अंदर लिया उसी सीरीज में निकाल देना था, फर्स्ट डे से क्वेश्चन मार्क था। तो क्यों एक्सचेंज को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि ये 34 शेयर बाहर निकालने के पीछे उनका मकसद क्या है? कोई पूछेगा नहीं, हम तो पूछेंगे, ये जवाब बनता है एक्सचेंज की तरफ से। एनएससी को आकर बताना चाहिए कि हम कोशिश भी कर रहे हैं पूछने की, भाई अगर आपने इन्वेस्टर्स के हित में कोई फैसला लिया है तो इन्वेस्टर्स को तो पता चले,
कि हमारा हित क्या है, हमारा हित क्या है इसमें, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये अच्छा है कि कोई सूदलोन आरकॉम जैसे शेयर बाहर निकल जाए तो जिसमें लोगों की ट्रेडिंग पहुंचे। लेकिन क्या आप समय से फैसला ले रहे हैं? आप ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स जागरूक है, एक्सचेंज जागरूक है क्या? एक्सचेंज अगर 3 रुपए का शेयर होने के बाद बाहर निकाल रहा है तो एक्सचेंज भी तो सो रहा है। आप इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जागरूक है, तो फिर एक्सचेंज की तो एक्सपर्टाइज है, एक्सचेंज क्यों सो रहा है? ठीक उसी तरह से कई बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक आप बाहर निकाल रहे हैं तो बताइए क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? अब क्या है ये मुझे पता नहीं, क्या कहीं एक जो मेरे मन में कल से मैं मतलब एक्चुअली मैं बताऊं डिपिन, रात को काफी सोच भी रहा था कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि बैकडोर से ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने के बारे में एक्सचेंज सोच रहा हूं कि भाई हम ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाएंगे तो वायदा कारोबार के शेयर और इंडेक्स वगैरह ट्रेड होंगे, तो क्यों ना लिस्ट जितनी छोटी कर दी जाए उतना बेहतर, उतना कंप्लायंस कम हो जाए, उतना कंप्लायंस कम हो जाए, उतना लोगों को तकलीफ कम हो बढ़े हुए ट्रेडिंग आवर्स से। ये मेरा अंदाजा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका जवाब एक्सचेंज ही दे सकता है, मैं नहीं दे सकता, ये मेरा अंदाजा है कि कहीं उस दिशा की ओर एक्सचेंज तो नहीं बढ़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो कुछ हुआ है उसमें जवाब से ज़्यादा सवाल हैं, एक्सचेंज को बताना ज़रूरी है कि उन्होंने क्यों फैसले लिए, खराब क्वालिटी के कम वैल्यू वाले 75,000 लाख शेयरों के लोट वाले शेयर आप बाहर निकाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए और बहुत समय से पहले कर लेना चाहिए था, अब कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटी के शेयर अगर आप निकाल रहे हैं बाहर कर रहे हैं तो फिर एक्सचेंज को जवाब देना चाहिए कि उसके पीछे उनका मकसद क्या है। एक सवाल और है मेरा, जब इस तरह के शेयर बाहर निकलते हैं तो एक निवेशक जिस जो पहले से वायदा के अंदर ट्रेड कर रहा होता है, कुछ पोजीशंस होती भी है, उसको क्या करना चाहिए? सी देखिए, फिर अब आपको यहाँ पर तुरंत इन 34 शेयरों में एक कॉल ले लेना है, जून के आखिरी तक इंतज़ार नहीं करना है कि एक्सचेंज क्या करेगा, उस समय शेयर के भाव क्या होंगे। आप ये सोचिए कि समझिए ये शेयर कल से नहीं है वायदा कारोबार में, फर्ज करें आज से नहीं है, ऐसा सोचिए 28 जून नहीं, आपको क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन शेयरों को रखना है? अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखना है तो बेच दीजिए एफएनओ में और डिलीवरी लेकर बैठ जाइए शांति से, और 25% पैसा देते हैं। और अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर सीधी सी बात है कि ट्रेड करने के मामले में तो ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। देखिए डिम्पी, ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो वो फिजिकल सेटलमेंट की लिस्ट में आ चुके हैं, करेक्ट, तो वहाँ पर वैसे ही एक्शन कम हो गया। दूसरा, आप इतने शेयरों को और बाहर निकाल कर, अगर समझिए मैं इन 34 शेयरों में जिसमें मेरे पास कुछ अच्छे शेयर हैं, DCB हैं या कुछ मेरे पास कर्नाटक बैंक है जिसमें मैं शेयर डिलीवरी रखता हूँ, सामने कॉल ऑप्शन बेचकर हेज करता हूँ या प्रीमियम कमाता हूँ, अब मेरे लिए तो मौका गया, बिल्कुल गया। ब्रोकर्स के लिए वॉल्यूम कम होंगे, इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होगी जो कंपनियों के लिए अच्छी नहीं है, जाहिर सी बात है आज हर फंड चाहता है कि उसके पास लिक्विड शेयर हो, 1,000 TCS बेचने में आपको पसीना आ जाए लेकिन 1,000 TCS के लॉट्स फटाफट आपके बिक जाते हैं, तो ये एक्सचेंज के लिए तो अच्छा नहीं है, वॉल्यूम के लिए आज से इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं है, फंड्स के लिए अच्छा नहीं है। उसके बावजूद अगर एक्सचेंज ने कोई फैसला लिया है तो फिर इस पर रिव्यू तो होना चाहिए, क्यों किया है ऐसा जब किसी के लिए अच्छा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि एक्सचेंज बड़े दरियादिल हो गए हैं, बड़े उदार हो गए हैं कि हमारा वॉल्यूम जाएगा तो जाएगा, हम सट्टा रोकना चाहते हैं। लेकिन एक्सचेंज का तो मोटो यही है कि हम निवेशकों के हित की बात कर रहे हैं। मोटो तो सबका है, हमारा भी है, उनका भी है, सबका है। हर राजनेता यही बोलता है हम देश की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक्सचेंज तो चला इसलिए रहना है कि उन्हें पैसा कमाना, नहीं तो 1 जनवरी को कौन एक्सचेंज खोलता है जब पूरे दुनिया भर के बाजार बंद हो, खाली एक हिंदुस्तान का बाजार खुला होता है, तो उससे समझ में आता है ना कि आपको पैसा कमाना है। आपने एफएनओ की लिस्ट अनाप शनाप तरीके से बढ़ाई तो उसका मतलब क्लियर कट है ना कि आपको वॉल्यूम चाहिए, आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस चाहिए, आपको लिस्टिंग करवानी है, तो ये तो साफ है। तो कहने के लिए सब ठीक है, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन आप कितना एक्चुअली से उसे इम्प्लीमेंट करें कि हम इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये किया जा रहा है मुझे लगता है इसके पीछे कोई एक ऐसा बड़ा मकसद है, वो समझना जरूरी है, और कहीं वो मकसद ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ाने से रिलेटेड ना हो। अभी आप कह रहे थे कि फ्यूचर्स का छोड़ के कैश में हमको ले लेना चाहिए, लेकिन मार्जिन तो पूरा देना पड़ेगा डिलीवरी में अगर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वायदा में 25% के लिए। देखिए ट्रेडर्स के लिए तो जो होना होगा वो ये कहना भी मुश्किल है कि ये शेयर जो वायदा कारोबार से बाहर निकलेंगे 28 जून को तब तक गिरेंगे या बढ़ेंगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई इन्वेस्टर्स हैं तो इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली, हाँ ये जरूर है कि ट्रेडर का पार्टिसिपेशन धीमे धीमे इन शेयरों में कम हो जाएगा
उनकी पोजीशन तेजी की हो या मंदी को कम होते हुए दिखेगी, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए कोई खास ऐसे मुझे दिक्कत वाली बात नहीं दिखती उन्हें शेयर लेकर। हाँ, उनके लिए हेजिंग वेजिंग नहीं हो पाती है, और आमतौर पर हेजिंग कौन करता है? फंड्स करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स तो बहुत कम है, बहुत कम ऐसे नए इन्वेस्टर्स हैं थोड़े बहुत जो हेजिंग करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि डिसीजन इसे आप दोनों तरह से देख सकते हैं। आधा गिलास भरा है वो ये कि कचरा शेयर आपने बाहर निकालें, आधा गिलास खाली है अच्छी क्वालिटी के शेयरों को बिना बेवजह बाहर कर दिया गया है जिसमें कोई मतलब नहीं निकलता। उन शेयरों में आप लिक्विडिटी खत्म कर रहे हैं, उन शेयरों में फंड्स का इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं, उन शेयरों में ट्रेडर्स के लिए इन्वेस्टर्स के लिए आप मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। आगे आते हैं सर, अब जरा ट्रेंड पर, ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड आपको कैसा दिख रहा है और सेंटिमेंट डीआईज एफआईज कैसे दिखे आपको? ज़्यादातर न्यूट्रल है आज, ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं, वायदा कारोबार और एफआईज के संकेत भी न्यूट्रल साइड पे हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, सेंटिमेंट थोड़ा सावधानी भरा है, वायदा कारोबार के संकेत सावधानी भरे हैं, ट्रेंड न्यूट्रल होता हुआ दिखा है कल की क्लोजिंग के बाद। ठीक है, कल तक हम 11700 की बात बोल रहे थे, आज 11600 निर्णायक हो गया। हाँ, आज 11600 निर्णायक लेवल है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर मैंने निर्णायक लेवल दिया नहीं है, लेकिन जो छोटी ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी की वो है 11600 के निर्णायक लेवल के अलावा 11550 11650, ये 100 पॉइंट की रेंज है और 11600 के आसपास हम बंद हुए हैं, तो 11650 11550 ये आपके लिए 100 पॉइंट की रेंज है, और मीडियम रेंज 11500 से लेकर 11700 की बनती है। एक्सट्रीम रेंज लेना चाहें तो 50-50 पॉइंट और जोड़ दीजिए दोनों तरफ, मैंने जोड़े नहीं, शायद इसी से काम चल जाए 11500 11700 की रेंज से। बैंक निफ्टी के लिए जो छोटी रेंज है 29600 से 29900 की है डिम्पी, और मीडियम रेंज जो बनती है वो 29500 से 30000 की बनती है। अच्छा, 30000 तक का अभी भी है एक रेंज में। बिल्कुल। सर, लॉन्ग पोजीशंस जिनके पास कल की खड़ी हुई है उनको क्या करना चाहिए? वैसे तो कल बाजार बहुत तेजी से टूटा। देखिए, कल हमने गुरुवार के सेशन के हिसाब से भी बात किया था कि इंट्राडे में तो वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था, और क्लोजिंग बेसिस पर कल स्टॉप लॉस 11700 का दिया हुआ था, उससे बहुत नीचे आप बंद हुए, तो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही निफ्टी के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं। बैंक निफ्टी में 30100 का स्टॉप लॉस दिया था कल इंट्राडे का और क्लोजिंग का। देखिए, स्टॉप लॉस की इसलिए अहमियत होती है डिम्पी कि आप वो लेवल्स अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आप बच जाते हैं बड़े नुकसान से, और वहाँ से 500 पॉइंट और नीचे निकला है, 30100 के नीचे स्टॉप लॉस। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग सब तरह के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं। अगर अब आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन है इस मार्केट में तो आपकी मर्जी से है, हमारे एनालिसिस के दम पर नहीं। ठीक है, सिंपल। अब सर, जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस पहले से खड़ी हुई हैं उनके लिए देखिए, जिनकी शॉर्ट पोजीशन है 11700 का स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे के लिए और क्लोजिंग बेसिस पर 11750। अब आप कहेंगे दूर है, लेकिन है, दूर है तो है, लेकिन दो दिनों में जिस तरह से तेजी से गिरा है थोड़ा आपको स्टॉप लॉस सेफ ऊपर ही रखना चाहिए, लाइफ टाइम हाई के आसपास है, इतना स्टॉप लॉस तो आपको रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के लिए जरूर स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस दोनों पर 30000 का है, 30000 के ऊपर निकले दिन के दौरान और 30000 के ऊपर ही बंद होता हुआ दिखे तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लीजिए। नई पोजीशंस बनानी है दो तरीके, एक तो आप जहाँ खुल रहा वहाँ खरीदें तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 11550 का। दूसरा सेफ तरीका जो है वो है 11550 की जितना नज़दीक खरीदेंगे उतना बेहतर है, तब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 11500 का, और ऊपर की तरफ 11600 11650 और 11700 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है तेजी। दूसरा है शॉर्ट करने का, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पिछले दो दिनों से हम लगातार शॉर्ट करने की राय ऊपर में दे भी रहे हैं 11700। अब आई डोंट नो, अभी इसमें दिन पे बात यही कि 11700 मिलेगा क्या, क्या 11650 पे ही बेच देना चाहिए या 11700 पर बेचना चाहिए, इसका जवाब मेरे पास इस वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं रुपए की ओपनिंग देखूंगा और कच्चा तेल देखूंगा, एशिया को भी देखूंगा, तो 9:08 पे मैं आपको बता सकता हूं कि शॉर्ट कहां करना चाहिए। अभी मैं भी सेफ चलूंगा, जाहिर सी बात है कि, तो 11700 के आसपास बेचें, 11750 स्टॉप लॉस होगा, 11650 और 11600 तक के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है ऊपर की तरफ। ठीक है सर, बैंक निफ्टी पे बैंक निफ्टी में दो तरीके हैं डिम्पी, एक तो अभी आप खरीदेंगे तो 29500 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, दूसरा तरीका है कि 29500 के जितना नज़दीक खरीदेंगे उतना सेफ है, तब आप 50-100 पॉइंट नीचे 29400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप फ्लैट खुलेंगे तो आपको 29500 का स्टॉप लॉस लगाना है, 29800 29900 30000 राउंड फिगर है तीनों ही लेवल, बस उसके लिए तेजी करनी है। कल भी यही बात हो रही थी 11700 30000 की लेवल, आज ज्यादातर लेवल वही 11700 30000 पे आके रुक रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। सुबह आपको याद होगा मैंने एक बात बहुत साफ की थी कि 30000 बैंक निफ्टी तोड़ता है तो उसके बाद किसी को पूछिएगा मत और इंतजार मत कीजिएगा कि कल के 2000 आज के 2000 का बिगुल बजेगा, ये अनिल जी बताएंगे आपको, 200 पॉइंट के लिए तुरंत ही शॉर्ट कर देना, 29800 चुटकियों में आ जाएगा,
तो कई बार ये होता है कि आपके पास उतना वक्त नहीं होता कि आप एक एक मिनट का आप ट्रेड दे पाए, तो इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सेम चीज़ अभी यही ऐसी है कि 30,000 के ऊपर पार निकल कर टिका मार्केट, तो बैंक निफ्टी में फिर 200-300 पॉइंट की तेजी अच्छी बनेगी वहाँ से, वो भी हो सकता है। तो 30,000 के पार निकलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल जब तक नहीं निकलता तब तक 29,900-30,000 की रेंज में आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट करने का भी रेंज है, या आपको मौका मिले तो शॉर्ट करना चाहिए। 30,100 आपका स्टॉप लॉस होगा और नीचे की तरफ 29,800 के टारगेट के लिए। वैसे आपके लेवल्स एल्गो ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, ये सिर्फ लेवल डाल दिया जाए सिस्टम में तो सिर्फ आप छोड़ दे तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा। एल्गो ट्रेडिंग लेवल्स के हिसाब से भी होती है। खैर, अब जरा ये विक्स 24 का था, मुझे वो बता रहे थे शुभम, शुभम फर्म में एल्गो ट्रेडिंग काफी कुछ होती है, उनका सारा एल्गो बेस्ड है, तो वो बता रहे थे बोले कि वो आपके लेवल्स काफी नोट करते हैं एल्गो ट्रेडर्स, उसके बेसिस पे वो और शीट्स में डालते हैं वो। अच्छा, जो अपनी मैन्युफैक्चर खुद एक्सेल शीट्स को क्रिएट करते हैं वो सिर्फ लेवल्स डाल देते हैं, तो लेवल्स डालने का उनको ट्रेड वैसे ही होता है, उसको नेट से कनेक्ट हो जाता है, लाइव हो जाता है वो प्राइसेस। खैर सर, विक्स 24 का कल था और पीसीआर 1.36 है, कुछ नोटिस करें इसमें विक्स 24 का? विक्स बहुत हाई लेवल पर है 24, अभी इसको ठंडा होना चाहिए कायदे से, तो थोड़ी सी वॉलिटिलिटी कम होने के संकेत आ सकते हैं, उतार चढ़ाव थोड़ा कम हो इसकी संभावना है। मैं कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूँ विक्स पर, आमतौर पर 24 के विक्स पर आप राय ये देंगे कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि विक्स में वॉलिटिलिटी अब कम होगी, तो उस हिसाब से अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया बात डिम्पी ये कि 1.80 का जो पुट कॉल रेशियो था 2 दिन पहले, और उसी के दम पर गुरुवार को हमने बोला था कि आपको बेच देना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए, लाइफ टाइम हाई लगते, वो 1.80 का पुट कॉल रेशियो 1.36 पर आ चुका है, तो बाजार हल्के हो चुके हैं, कमजोर रहे। और मैं जब आज आपको डेटा बताऊंगा ना एफआईएस के, तब उसके इसमें इंटरेस्टिंग एनालिसिस पीसीआर जोड़कर वहां करूंगा। हाँ, तो बस फिर उसकी ही तैयारी है। बस तो मैं एक बार जरा पहले वायदा बाजार के शेयर बता दूं, 3 वायदा बाजार के शेयर नए आ गए, जेट, डीएलएफ और अदानी पावर, है ना, ये बैन में 3 शेयर नए आए बैन में और एग्जिट कुछ भी नहीं हुआ। अब सर वायदा बाजार की जिसमें बात कर ही रहे, तो एक बार लगा तो वो बता ही दीजिए। देखिए कल के डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, एफआईएस ने खरीदा 73 करोड़ का, 73 करोड़ सिर्फ ओनली, घरेलू फंड ने बेचा है 68 करोड़ का ओनली, और मार्केट कल 158 पॉइंट निफ्टी पे बंद हुआ है, नीचे 535 अंक नीचे बंद हुआ बैंक निफ्टी। तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल आज क्या है, बेचा किसने? जब इन्होंने बेचा ना इन्होंने बेचा, तो बेचा किसने? उसका जवाब पुट कॉल रेशियो में, 1.36 का पुट कॉल रेशियो 1.80-1.82 पे जो चल रहा था, इसका मतलब ये कि कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन कल हल्की हो गई, कल और परसों दो दिनों में, गुरुवार और कल में काफ़ी कमजोर ट्रेडर सिस्टम से बाहर हो गए स्टॉप लॉस लगा लगा कर। तो फंड्स की तरफ से अभी तक हाँ हाथ खींचा है उन्होंने, खरीदारी रोकी है, लेकिन एग्जिट नहीं कर दिया है, क्योंकि आप देखिए न सिर्फ कैश में बल्कि 300 करोड़ की एफआईआई ने खरीदारी की है इंडेक्स में और ओपन इंटरेस्ट घटाया, यानी कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की है, वहाँ पे भी फ्रेश नहीं बेचा है, शॉर्ट कवरिंग की। स्टॉक 450 करोड़ के जरूर बेचे उन्होंने, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं एग्जैक्टली। तो इसलिए एक लिहाज से आप देखेंगे तो जो कुछ भी एक्शन जो हुआ है मंदी की तरफ, वो ट्रेडर्स की तरफ से हुआ है। 3400 करोड़ के ऑप्शन जरूर एफआईआई ने खरीदे हैं, तो एफआईआई ने थोड़ी हेजिंग के लिहाज से ऑप्शंस खरीद लिए हैं, वो एक अलग चीज़ है, और इसलिए भी खरीदे हैं कि भाई 3 दिन बचे सीरीज में आपके पास। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर आज की तारीख में आपको वायदा कारोबार में ट्रेड करना है, ठीक है, क्योंकि 3 दिन के ऑप्शन की प्रीमियम कितनी होती है? हार्डली कुछ है, और आपको इन 3 दिन की वॉलिटिलिटी को ही ट्रेड करना है, तो मैं एफआई हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं इंडेक्स में दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सस्ते वाले ऑप्शन ले लूंगा, बिल्कुल सही है, पुट लेना तो पुट लूंगा, कॉल लेना तो कॉल लूंगा, इतने सस्ते ऑप्शन मिलते हैं, और थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस का ले लूंगा, जैसे 600 चल रहा है तो 630-640 वाला ऑप्शन ले लिया, तो अपने आप आपका क्या हो जाता है कि कॉस्ट कम होगी, इसलिए 3400 करोड़ की खरीदारी आपको ऑप्शन में नहीं करनी। ठीक है, खैर इस बीच तस्वीर मोदी जी वोट डालने जा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने अपनी माताश्री का आशीर्वाद भी आज लिया, और उसके बाद वो आज गांधीनगर में वोट भी करेंगे, उनका वोट है, और इसलिए आज अमित शाह वहाँ पे पहली बार आज लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले राज्यसभा से वो पहुँचे थे सदन में, इस बार पहली बार वो लोकसभा के चुनाव भी यहाँ से लड़ रहे हैं। ये परंपरागत सीट है लाल किशन अडवाणी की, खबर ये है कि 12:30 बजे वो भी वोट करेंगे। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ कि वैसे ये स्कीम मोदी जी के लिए नहीं है, लेकिन आप सबके लिए है, वोट कीजिए, शेयर लीजिए। यस, जी बिजनेस की हमारी मुहिम जो है
कि हम चाहते हैं कि देश का हर एक नागरिक वोट करने जाए, और खासतौर से हमारे जो दर्शक है वो तो जरूर जरूर करें। और सबसे ज्यादा दर्शक गुजरात में है, और आप तो जानते हैं गुजरात और गुजराती लोग और गुजराती भाषा मेरे दिल के बड़ी करीब है। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि या तो 3:30 बजे शार्प आपको वोट डालने के लिए निकल जाना है, और अगर कहीं दाएं बाएं हो, आगे पीछे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए मत, देखिए हम आपकी कमाई कल परसों कल किसी और दिन करवा देंगे, लेकिन वोट जरूर डालिएगा, वोट डालने जाइएगा, वोट डालकर अपनी सेल्फी भेजिए। मैं पक्के से बोल सकता हूँ कि आज जो गुजरात से सेल्फी आएंगी ना, देखने लायक होंगी, मतलब गुजरात के लोगों का उत्साह, उमंग हर चीज में, मतलब हर काम में आ गया, अरे ऐसे ही नंबर 1 नहीं है। तो आज देखिए आज दिन गुजरात का है, आज दिन गुजरात का है, ठीक है। तो पहले मतदान फिर जलपान, ये प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट फेस में कहा था, आज वो खुद भी करके भी दिखा रहे हैं। मेरे को लगता नहीं उन्होंने कोई जलपान किया होगा, क्योंकि सुबह से ही वो तस्वीरों में दिख भी रहे हैं हमको। खैर, इस बीच सर मैं जरा ना एफ एंड ओ के आंकड़ों में जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी जानना चाहता हूँ, ये क्या कह रहा है एफ एंड ओ का आंकड़ा निफ्टी? आप आंकड़े पूछ रहे, मेरी नज़र तो स्क्रीन से हट नहीं रही है, बड़ी प्यारी सी बच्ची मोदी जी की गोद में है, इतनी खूबसूरत तस्वीरें आ रही है, तो मन यही कर रहा है कि यही तस्वीरें देखते रहे। देखिए लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि हर एक वोट की अहमियत है, और वो अहमियत आप इस वक्त देख सकते हैं। तो चलिए वोट को लेकर पूरा एक्शन आप इस वक्त जी बिजनेस की स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए अब आइए एफ एंड ओ पे देखिए निफ्टी में, देखिए 11,500 अगला अहम सपोर्ट लेवल है, क्योंकि 24,00,000 शेयर हैं वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में, पुट में 11,600 निर्णायक लेवल, इसलिए डिम्पी की 11,600 के पुट पे 18,00,000 शेयर हैं, कॉल्स में 12,00,000 शेयर हैं, बराबरी का मामला है लगभग। 11,700 पार करने के बाद ही आप सोचिए कि बाजार में फिर से ताकत है। अब जब तक आप 11,700 पार नहीं करते हैं, तब तक आप ये समझिए कि आप दबाव में हैं, सेल ऑन राइज पर हैं, उछाल में बिकवाली वाला मामला है। क्यों है वो बता दूँ, कल 11,700 पर जिस तरह से पोजिशन बनी है, जो कॉल राइटिंग हुई, बाप रे, मतलब ऐसी एग्रेसिव कॉल राइटिंग पिछले 2 सीरीज में मैंने देखी नहीं किसी एक, शुरू से बनना लग गए थे, मतलब कल 29,00,000 शेयर अकेले कल जुड़ गए, और टोटल 42,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, भयंकर शॉर्ट है। तो 11,700 अब आपसे पार हो गई नहीं, माउंट एवरेस्ट है आपके लिए, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अगर आप पार कर ले फिर मजा अलग है, फिर आप दूसरी तरफ भी पूरा व्यू ले पाते हैं, तब तक एक ही तरफ का व्यू होता है जिस तरह से आप चढ़ रहे हैं। तो माउंट एवरेस्ट पार करने के बाद 11,700 पार करके अगर टिकट आज क्लोज हो, वापस से आप नया लाइफ हाई बनाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप बताइए। तो क्योंकि ये 42,00,000 शेयर जो 11,700 पे शॉर्ट है कॉल, ये जो अफरा तफरी मचाएंगे गुरुवार को 3:30 बजे तक, ये फ्यूल बन जाएगा। हाँ, ये फिर है ना आपको 11,856 पार करा देगा, आप खाली 11,700 पार करा दीजिए, अगले 150-200 पॉइंट की जिम्मेदारी मेरी निफ्टी। ये कभी कभी है ना ऐसा डेटा और ऐसे लेवल मिलते हैं जहां देख के ऐसा लगता है कि बस ये पार हुआ तो मजा ही आ जाएगा, तो ये वो मजा आने वाला लेवल है ये 11,700। सर बैंक निफ्टी पे, हाँ बैंक निफ्टी पे ज्यादा डेटा नहीं है, 29,500 अहम सपोर्ट है, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 6,00,000 शेयरों का, 29,500-29,600 की रेंज में सपोर्ट लेगा, 30,000 जहां 10,00,000 शेयर टोटल खड़े हैं, कल 7,00,000 शेयर वहां पर जुड़े, जैसा 11,700 पर कॉल ऑप्शन में राइटिंग हुई है वैसे ही 30,000 के कॉल राइटर्स वहां पे आए हैं बैंक निफ्टी में, तो वहां पर भी आपको 30,000 के पार होते ही फिर 200-300 पॉइंट ऐसे ही चुटकियों में मिलेंगे। यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइफ हाई बन जाएगा, क्योंकि लाइफ हाई 650-700 पॉइंट दूर है, लेकिन हाँ 200-250 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये तस्वीरें तो आपको लगातार दिख रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए जा चुके हैं, उस कक्ष में आपको दिख रहे हैं, लेकिन अब हम स्टॉक्स की बात करेंगे। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे दो रखे हैं डिम्पी, पहला है बायोकॉन, जहां पर खरीदारी करने की राय, कल बोर्ड बैठक है बायोकॉन की भी, सिंजिन की भी, और दोनों ही बोर्ड दोनों ही कंपनियां बोनस देने के लिए विचार कर रही है। बिल्कुल, और बायोकॉन के खास मुरीद अविनाश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। अविनाश जी हमेशा बायोकॉन रिकमेंड करते हैं, और अविनाश जी आपका स्वागत ही देखिए अच्छी खबर के साथ हो रहा है। तो बायोकॉन की जो ये बोर्ड बैठक है ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव, 600 के स्टॉक लॉस से खरीदिए, 619-624 दो टारगेट के लिए बायोकॉन में तेजी करनी चाहिए।
दूसरा शेयर कौन सा? दूसरा शॉर्ट साइड पर है एचपीसीएल, कल भी हमने शॉर्ट साइड पर राय दी थी, कल मेरे ख्याल से 258 और ऐसा कुछ लेवल्स थे, सारे लेवल्स कल हासिल हुए। उछाल में फिर बिकवाली करनी चाहिए इस स्टॉक में, थोड़ा ऊपर आए तो और भी बढ़िया। 256 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, कल की पोजीशन है तो भी 256 पर रिवाइज स्टॉप लॉस कर लीजिए। 246-242 के टारगेट के लिए आपको एचपीसीएल में बिकवाली करनी चाहिए, अब भी 2-3% की गुंजाइश है, लेकिन गैप से खुल जाए तो उसके बाद मत खरीदिएगा, क्योंकि तब 9-10% का करेक्शन हो जाएगा, वो काफ़ी होगा। ठीक है, तो 9 बजे हम आपके सामने तेजस नेटवर्क, एक और शेयर भी है जिसके बारे में चर्चा भी करेंगे, इसके बारे में बातचीत होगी। खैर, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पे अपना वोट कास्ट किया जाता है। तो रानी पोलिंग बूथ है जहाँ पे गांधीनगर में, जहाँ पे अपने वोट कास्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, रजत हमारे साथ है खबर वाले शेयर्स के लिए, संदीप भी खबर वाले शेयर्स बताएंगे, और आज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स पूजा के जरिए हम समझेंगे। तो रजत बताएं आज की खबर वाले शेयर्स कौन से हैं? तो बिल्कुल, सबसे पहले जो नतीजे आने वाले हैं क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, उसमें ACC है और साथ साथ टाटा ग्लोबल बेवरेजेस जो FNO सेगमेंट में है, इसके आज नतीजे आने हैं, क्लोजली ट्रैक होंगे। और साथ साथ कैश मार्केट में होगा कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसके अलावा ICICI सिक्योरिटी, स्टरलाइट टेक और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो आज नतीजे जारी करने जा रही हैं। अच्छा, भारतीय एयरटेल, यहाँ पर आज एक्स्ट्रा राइट्स है, आज शेयर खरीदने वालों को राइट्स इशू में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो पिछला दाम होगा उसके मुकाबले आज का दाम आपको थोड़ा एडजस्टेड दिखाई देगा। इसके अलावा जो नतीजे आए हैं वो मैं आपको बता दूं, उसमें सबसे पहला है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर नतीजे अच्छे साउंड कर रहे हैं क्योंकि मुनाफे के फिगर 42% बढ़ी है, सालाना आधार पर 118 करोड़ का मुनाफा बैंक ने क्लॉक इन किया है, और अगर NII देखें तो इसमें भी लगभग 35% का इजाफा देखने को मिला है। प्रोविजनिंग जरूर बढ़ गई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनके GNPA और साथ ही GNPA में कमी थोड़ी एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है, 2% के आसपास ही इनके GNPA है, और ये कहीं ना कहीं एक राहत की बात AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए समझी जाएगी। दूसरा है तेजस नेटवर्क्स, जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे, देखिए सालाना आधार पर देखेंगे तो नतीजे आपको बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आएंगे, मुनाफा जो 23.5% बढ़कर लगभग 36 करोड़ के आसपास पहुँचा है, आय में 167% का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन तिमाही दर तिमाही आधार पर भी देखेंगे तो मुनाफे की फिगर लगभग 9% बढ़कर 36 करोड़ पहुंची है और आय इनकी 48% बढ़ी है। इनका कामकाजी मुनाफा में भी सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है और वो भी 92.7 करोड़ पहुंचता हुआ नजर आया है, जो सालाना आधार पर एक सिग्निफिकेंट जंप है, 10.5 करोड़ के आसपास था पिछले साल। इसके अलावा तो अगला स्टॉक है वो है स्वराज इंजन्स, यहाँ पर मुनाफे की फिगर घटी है, कोई बहुत एक्साइटिंग नतीजे इस कंपनी ने पोस्ट नहीं किए हैं, लगभग 7% मुनाफा घटा है, 16.5 करोड़ के आसपास मुनाफे की फिगर आई है और आय में मात्र 3% का इजाफा देखने को मिला है, फिगर रिपोर्ट हुई है 191 करोड़। अन्य आय घटने के बावजूद यहाँ पर मुनाफे की फिगर में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला, इनफैक्ट वो घट गई। और साथ साथ लक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर देखेंगे तो एक तो सालाना आधार पर मुनाफे की फिगर बढ़ी है 24%, लेकिन तिमाही दर तिमाही आधार पर लगभग 55% की ग्रोथ मुनाफे में देखने को मिली है, और मुनाफा लक्स इंडस्ट्रीज रिपोर्ट किया है 37.5 करोड़ का, रेवेन्यू जो है उसमें 16% का इजाफा देखने को मिला है, सालाना आधार पर 385 करोड़ की फिगर जो है 385 करोड़ ये रिपोर्ट हुई है। अन्य आय जरूर बढ़ी है, लेकिन इनके मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफे में सालाना आधार पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, तो बहुत मिले जुले नतीजे जो है वो लक्स इंडस्ट्रीज ने पोस्ट किए। ठीक है, मार्जिन्स की थोड़ी दिक्कत दिखी इनके नंबर्स में। संदीप बताएं आपके पास क्या है खबर वाले शेयर्स? देखिए डिम्पी, आज आपको पैकेजिंग स्पेस की कंपनियों पे नजर रखनी होगी, क्योंकि SL प्रोपैक में ब्लैकस्टोन 51% हिस्सेदारी खरीदेगा और जो भाव तय किया गया है वो 134 रुपये प्रति शेयर का है, 51% हिस्से की ये डील हो रही है, और उसके अलावा 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर भी आएगा। जो ओपन ऑफर का भाव है वो जो डील का भाव है 134 रुपये उसके ऊपर है, 139 रुपये 19 पैसे प्रति शेयर का जो भाव रखा गया है, तो SL प्रोपैक तो फोकस में रहेगा, जो बाकी पैकेजिंग कंपनियां हैं उन पर भी आज आप नजर रख के चलिए। बायोकॉन के स्टॉक में भी आज एक्शन देख सकता है, दरअसल 25 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है जिसमें डिविडेंड के ऊपर तो विचार होगा, लेकिन उसके साथ साथ बोनस शेयर जारी करने के ऊपर भी बोर्ड विचार करेगा, तो बायोकॉन में आज एक्शन रह सकता है। लक्ष्मी विलास बैंक पर भी नजर रखिए, हाल फिलहाल बड़ा करेक्शन हुआ है, कल इनकी बोर्ड बैठक हुई थी, इसमें इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को किया जाएगा उसका भाव निर्धारित किया है, 112 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और क्लोजिंग देखिए 80 रुपये के नीचे की है, तो उसके बेसिस पर आज हो सकता है कि स्टॉक में भी एक्शन बनता हुआ दिखेगा। आज आप गेल पर भी नजर रखिए, ILFS के विंड एसेट्स के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई इन्होंने, 4,800 करोड़ रुपये की बोली लगाई गई है विंड फार्म एसेट्स के लिए, तो गेल आज फोकस में रहेगा। इसके साथ साथ कल एविएशन सेक्टर के लिए जो मार्च महीने के आंकड़े हैं मार्केट शेयर के वो जारी किए गए DGCA की ओर से, उसमें अगर आप देखें तो इंडिगो जो कि मार्केट लीडर है उनका मार्केट शेयर और बड़ा है, 43.4% से बढ़कर 47% के आसपास गया है। एयर इंडिया का मार्केट शेयर भी 12.8% से बढ़कर 13.1% रहा है। स्पाइसजेट फ्लैट रहा है और दिक्कत रही है जेट एयरवेज, इस पर 5% से ज्यादा का मार्केट शेयर कम हुआ है, 10% से घटकर 4.6% का जो मार्केट शेयर
शेयर है वो महज जेट एयरवेज के पास मार्च महीने में रह गया है। मैकलोड रसल 3 चाय बागानों को बेचेगी कंपनी, लक्ष्मी टी को बेची जाएगी और 150 करोड़ रुपये की ये रकम है जिसमें ये 3 जो चाय बागान है वो बेचे जाएंगे। तो मैकलोड रसल पर आज फोकस रहेगा। और फंड एक्शन की जहाँ तक बात है तो रिलायंस कैपिटल कल जो भारी गिरावट हुई थी उसमें एक्सिस ट्रस्टी ने करीब 51.8 लाख शेयर इस कंपनी के बेचे हैं 137.45 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। और उसके साथ साथ 63 मूव्स जो कि पिछले 3-4 दिन में बहुत अच्छा चला था, यहाँ पे विश्वस्वी लोड़ा बेनिफिशियरी ट्रस्ट ने 27 लाख शेयर बेचे हैं 119.92 रुपये के भाव पर ये शेयर बेचे गए हैं और कल स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल भी रहा था। तो ये तमाम वो स्टॉक से जहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन हुआ है फंड्स के लिहाज से भी, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और दमदार भी। नहीं काफ़ी नहीं है, काफ़ी कम है पूजा आज बताने के लिए। पूजा वाकई रिपोर्ट्स कम है, आपने कम बनाई है? नहीं, 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 क्योंकि हर रोज देवांशी बनाती तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि देवांशी नहीं इसलिए कम बनाई नहीं, आज रिपोर्ट्स इतनी ही आई हैं और क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक आज आप अगर देखेंगे तो सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आज काफ़ी ज़्यादा निकल कर आई हैं। शुरुआत पहले सीमेंट कंपनियों से कर लेते हैं। डॉयश बैंक की रिपोर्ट इस पर आई है, 5 कंपनियों पर रिपोर्ट कंपनी ने दिया है जिसमें कि अंबुजा सीमेंट पर होल्ड रेटिंग है लेकिन बाकी सभी में बाय की रेटिंग दिया है। अल्ट्राटेक से पहले शुरुआत कर लेते हैं, कल नतीजे भी आने वाले हैं, बाय की रेटिंग दी है, लक्ष्य बढ़ा दिया है 4240 से बढ़ाकर 4575 का लक्ष्य दिया है कंपनी पर। अंबुजा सीमेंट पर होल्ड की रेटिंग दी है और लक्ष्य बढ़ा दिया है 230 से बढ़ाकर 235 का लक्ष्य अंबुजा सीमेंट पर कर दिया है। एसीसी कंपनी के आज नतीजे आने वाले हैं, यहां भी नजर रखिए, बाय की रेटिंग दी है और लक्ष्य भी बढ़ा दिया है 1790 से बढ़ाकर 1830 का लक्ष्य एसीसी पर दिया है। इसके अलावा कुछ मिड कैप सीमेंट स्पेस पर भी डॉयश बैंक के रडार पर हैं, श्री सीमेंट पर भी बाय की रेटिंग दी है, लक्ष्य 19,330 से बढ़ाकर 21,600 का दिया है, तो यहाँ नजर रखिए आप। और रामको सीमेंट पर भी डॉयश बैंक की रिपोर्ट आई है और यहाँ पर भी जो टारगेट है वो बढ़ा दिया है, 785 से बढ़ाकर 790 का दिया है। तो ये तो थी सीमेंट कंपनियों पर रिपोर्ट्स। इसके अलावा कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक पर बात करें तो इंडिगो पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है और परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य काफ़ी अग्रेसिव दिया है, 1650 से बढ़ाकर 1800 दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 21% का अपसाइड देखने की उम्मीद है और नए लॉन्चेस से इनका कहना है कि कंपनी को आगे फायदा मिलने की उम्मीद है, मार्केट शेयर स्थिर रहेंगे। और इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट पर मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, यहाँ भी नजर रखिए, आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 540 का दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 37% अपसाइड देखने की उम्मीद है। जो मौजूदा दिक्कतें हैं उसके बावजूद कंपनी के फंडामेंटल्स पर कंपनी ने भरोसा जताया। और हम आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, जी बिजनेस जो चैनल आप देख रहे हैं और जी एंटरटेनमेंट, ये जी समूह की ही कंपनी है, तो ये डिस्क्लेमर्स के साथ जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पर आज नजर रखिए। उसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस पर भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, कल नतीजे आए थे कंपनी के और रिपोर्ट में कहना है कि मुनाफे के आंकड़े अनुमान से बेहतर हैं, एनआईआई और प्रोविजन में जो कमी आई है उससे एक सहारा मिला है, इक्वल वेट की रेटिंग दी है लेकिन लक्ष्य नीचे का दिया है मौजूदा भाव से, 608 मौजूदा भाव है और जो लक्ष्य दिया है वो 560 का दिया है, तो यहां पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक में ऑटो कंपनीज पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, यहाँ हीरो मोटो, बजाज ऑटो, टीवीएस को लेकर तो पॉजिटिव बयान आए हैं सीएलएसए ने, लेकिन आयशर पर एक नेगेटिव बयान दिया है और यहाँ पर कहना है कि जो दिक्कतें चल रही हैं कंपनी के साथ वो लंबे समय के लिए बरकरार रह सकती हैं, आगे कुछ खतरा है कंपनी के लिए, तो आयशर मोटर्स पर आज नजर रखिए। इसके अलावा टेलीकॉम पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और यहाँ पर इन्होंने सेक्टर की आय में अब सुधार होने की बात शुरू किया और इसके अलावा भारतीय एयरटेल इनकी टॉप पिक है। और मोदी जी गुजराती में कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे भी आज मेरा कर्तव्य निभाने का गौरवपूर्ण पल मेरे होम स्टेट गुजरात में वोट देकर के इस महान लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिला। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है,
वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं। मैं विशेष करके देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में अभी जहां जहां मतदान बाकी है पूरे उमंग उत्साह और एक उत्सव के रूप में सब मतदान करें। मतदान किसको करें किसको न करें, भारत का मतदाता जितना समझदार है, नीर क्षीर का विवेक जानता है, दूध का दूध और पानी का पानी करने का उसकी जो विशेषता है, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक अध्ययन का विषय है। प्रधानमंत्री ने की है अपना कर्तव्य निभाने के बाद आप सबसे मतदान की अपील, और ये अपील आप भी जरूर सुने। आज अगर आपके तीसरे चरण के चुनाव में कहीं भी आपका नाम है तो जरूर जरूर वोट कीजिए। आइए शामिल करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में राकेश मंसल, कुणाल सरावगी, किरण यादव और अविनाश गोरक्षकर साहब। बिगुल बजाने का वक्त है, सीधा लेंगे उनसे पिक ऑफ द डे। अविनाश जी, शुरुआत आप ही कीजिए। स्टॉक बायोकॉन नहीं, इनफैक्ट अनिल जी बायोकॉन नहीं है, हालांकि बायोकॉन में अच्छी खबर जरूर है। आज का स्टॉक मुझे जो पसंद है वो ACC है। हमको लग रहा है सीमेंट सेक्टर में हमको काफ़ी अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। होपफुली प्राइसेस भी अच्छी तरह से बढ़ी है और ACC का जो ज्योग्राफिकल पैन इंडिया एक्सपोजर है इसका फ़ायदा कंपनी को ज़रूर मिलेगा। हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी सीमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। होपफुली जो इकोनॉमिक रिकवरी है यहाँ पे अगर थोड़ा सा और बूस्ट अप मिलता है तो सीमेंट एक ऐसा इनपुट है जो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको लग रहा है 9-10% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो YOY बेसिस पे काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ेगी। हमारा अंदाज़ा है कम से कम 340 करोड़ के ऊपर का अनुमान है, तो इस शेयर को ज़रूर खरीदें। और ये नॉट ओनली 3 महीने का व्यू से है बट अगर 6-12 मंथ्स के व्यू से भी ले लें तो मुझे लग रहा है कि 1750-1800 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, 1800 का टारगेट है, वैसे इसके आज नतीजे भी हैं ACC के, तो नंबर से ठीक पहले विनाश जी का जो कॉन्फिडेंस है ये काम आ सकता है। आपके नंबर्स में भी बताया जा रहा है कि इस बार के नंबर सीमेंट कंपनीज के अच्छे आएंगे, उसमें इंडिया सीमेंट के नंबर तो बहुत बेहतरीन रहेंगे क्योंकि इसका बेस कमज़ोर था। वैसे ACC के नंबर भी आज होंगे, पता लग जाएगा कि सीमेंट कंपनीज किस दिशा की तरफ चल रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, किरण जी से जानते हैं उनका आज का पिक ऑफ द डे। किरण जी गुड मॉर्निंग, सर आपका शेयर कौन सा है? निम्बी जी, अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, मेरा आज का पिक है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो कि बेच के चलना चाहिए। कल इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है और काफी डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगी। मेरा स्टॉप लॉस 25.75 रहेगा और टारगेट्स के लिए 24.30 के पहले टारगेट देखने को मिलेंगे। इसके नीचे भी जाते हुए मैं देख रहा हूँ स्टॉक। अच्छा, तो पिरामल एंटरप्राइजेस आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बेचना चाहिए। वैसे डिलीवरी के हिसाब से इसमें डिलीवरी का वॉल्यूम बहुत खड़ा था बट स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कह रहे हैं कि वीक हुआ है, कल थोड़ी शॉर्टिंग भी हुई है इसके अंदर, तो आज कमजोर वापस होगा। लेवल्स नोट कीजिएगा, 2430 के टारगेट के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस को आज बेचना है। ये किरण जी का आज का पसंदीदा शेयर है जिसपे सबसे ज्यादा कन्विक्शन रखते हैं। बंसल जी गुड मॉर्निंग, सर आपकी तरफ से आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। डिम्पी जी मेरा बिकवाली की राय है सन फार्मा पर। ये वीक फार्मा काउंटर है और कल मेरे मित्र कुणाल जी ने भी वोकार्ड पर क्लोजिंग पर एक सेल कॉल दिया था और वहाँ टारगेट जल्दी से अचीव हुए थे। और सन फार्मा में देखें तो काफ़ी समय से साइडवेज था और कल 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे पूरा दिन इसने एक बड़ी ब्लैक कैंडल बनाई है। मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 467.50 का स्टॉप लॉस लगा के 435 के टारगेट के लिए सन फार्मा को बेचने की राय है। ओके, तो पिरामल सन फार्मा दो फार्मा से जुड़े हुए शेयरों में आ गई है बिकवाली की राय। और कुणाल जी से भी पूछ लेते हैं फिर, कुणाल जी का क्या इरादा है बताएं सर। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी. मेरा भी बिकवाली का इरादा है अनिल जी, और बेचना चाहिए कैनरा बैंक, जिसकी बात हम लोग कल भी अंतिम क्षणों में कर रहे थे, और मैंने कहा था कि इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है. ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हुआ है कल के ट्रेड में, और मुझे लगता है कि पैटर्न के दम पर यह स्टॉक नीचे आएगा. बैंक निफ्टी ने भी एक मेजर सपोर्ट के नीचे कल बंदी दी है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में आपको आज भी मंदी देखने को मिलेगी. कैनरा बैंक को शॉर्ट करें, 271 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है, 258 रुपए का लक्ष्य होगा. ओके, तो ये है राय आपके लिए कैनरा बैंक में यहाँ पर शॉर्ट करने की राय. तो एकमात्र अविनाश जी हैं जो फंडामेंटल एक्सपर्ट है, जो ऐसे खराब माहौल में मौके ढूंढते रहते हैं खरीदने के, बाकी सब ट्रेडिंग के लिहाज से बिकवाली ही बिकवाली है. सर ने तो वो शेयर दिए इसके नतीजे भी हैं, हाँ, वो भी नतीजे के पहले, वो नतीजे से पहले वाला काम है. चलिए सर, एक और स्टॉक बताइए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. कल नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, शानदार है. आय इनकी 35% बढ़ी है, मुनाफा 42% बढ़ा है, ग्रोस और नेट एनपीए थोड़े थोड़े कम हुए, स्टेबल है, क्वालिटी में हल्का सा सुधार है. तो कुल मिलाकर रिजल्ट में ऐसा कुछ भी नहीं जो खराब हो, और आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी है 560 रुपए के टारगेट के साथ. तो अविनाश जी, इसको खरीदना है या ये इतने अच्छे नतीजे इस भाव में ऑलरेडी हैं? मुझे लग रहा है कि अनिल जी, नतीजे तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ऑलरेडी प्राइस में यू नो जो नंबर्स हैं वो ज़्यादातर फैक्टर हो चुके हैं. अगर नज़रिया थोड़ा सा लंबा है तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेट हो या थोड़ा यू नो रेंज बाउंड रहे तो ही खरीदे, इमीडिएटली जल्दबाजी न करें. हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में इनकी एसेट क्वालिटी का जो मोमेंटम है, प्लस जो लोन बुक का ग्रोथ है, वो काफ़ी स्ट्रांग है. और जिस प्रकार से ये अभी ग्रोथ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि अगर लंबी नज़रिया है तो डेफिनेटली इसको एक खरीदने का मौका समझना चाहिए. लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है, रिजल्ट्स आ चुके हैं और मेरे ख्याल से स्टॉक में ऑलरेडी थोड़ी सी अपसाइड हो चुकी है. तो यहाँ से अगर कोई लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहे तो थोड़ा सा रुके, उसके बाद एक मौका जरूर मिलेगा खरीदने के लिए. ठीक है, इस बीच एसजेक्स निफ्टी 11 पॉइंट ऊपर है, ये भी आप नोटिस करते चलिएगा. एक और शेयर है हिंदुस्तान कॉपर. किरण जी, जरा आप देखिए इसको, 25 तारीख को एक बैठक है इनकी, क्यूआईपी के जरिए कुछ रकम जुटाना चाहते हैं. अभी तक के जितने भी क्यूआईपी यानी कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, उनकी तरफ से अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, अच्छा पैसा कंपनी ने जुटा लिया, तो हिंदुस्तान कॉपर का शायद सक्सेसफुल हो जाए. ये भी क्या करना है इसमें, 48 रुपए का शेयर है ये, सपोर्ट के नजदीक है. आपका स्टॉप लॉस 46 रहेगा, 48 के का कल का क्लोजिंग है, पर अभी छोटी क्वांटिटी बाय करने की सलाह है. इसकी नेकलाइन जो इंपॉर्टेंट है वो 52 लेवल्स पे है. इसके ऊपर जिस दिन क्लोज आएगा ना, तब एकदम एग्रेसिव होके बाय करके चलना चाहिए. फिर मेरे टारगेट्स करीबन 63-65 के होंगे, पर 53 के ऊपर. ठीक है, एक और शेयर भी है बंसल जी, आप देखिए, वो है मैकलॉयड रसल. ये टी से जुड़ी हुई कंपनी है, 3 चाय के बगानों को बेचने की बात कंपनी कर रही है, कह रही है 150 करोड़ रुपए जुटा लेंगे. ये कोई नया नहीं है, ये पिछले 1.5 महीने से कह रहे हैं कि हम बगान बेचना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं. आखिरकार अब खबर आ गई, 150 करोड़ रुपए की रकम भी आ गई, कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए डिम्पी, अगर आप टेक्निकल रुझान देखें तो टेक्निकल रुझान पॉजिटिव नहीं है. सिर्फ पॉजिटिव चीज ये है कि डिम्पी, ये स्टॉक 82 रुपीज के एक अहम सपोर्ट को होल्ड कर रहा है. मेरा ऐसा मानना है डिम्पी, खरीदारी तो करनी नहीं चाहिए. इस खबर के चलते उछाल आए तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और जिन्होंने ले रखा है वो 82 के लेवल्स पे डिम्पी नजर रखे हैं. अगर 82 के नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग आती है तब डिम्पी यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज है, और उस पॉजिटिव न्यूज पर अगर 82 का एम सपोर्ट टूटता है तब ये स्टॉक नीचे में 72-73 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है. 82 का स्टॉप लॉस लगाएं और उछाल पर बिकवाली करें. ठीक है अविनाश जी, कल लक्स इंडस्ट्रीज के भी नंबर आए हैं, इसके ना मार्जिन खराब रहे हैं. अबिटा मार्जिन यानी कामकाजी मुनाफा 2% घट गया, मार्जिन भी 1-1.5% घटा. वैसे नंबर्स ठीक है प्रॉफिट और सेल्स के हिसाब से, कैसे रिएक्शन देती है कंपनी जब मार्जिन घटते हैं? तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली मार्जिन्स में डेफिनेटली जो कटाई आ गई है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जीएसटी का बेनिफिट से हमको लग रहा था कि शायद वो टॉप लाइन एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंटल गेन्स कंपनी को मिलेगी. लेकिन आई थिंक जो अच्छी बात कंपनी के मैनेजमेंट ने कही कि आगे की जो साल है वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम देख रहे हैं. ओवरऑल जो इनका टर्नओवर है वो जो टारगेट इन्होंने किया है वो डबल डिजिट में ग्रो करेगा, और जिस प्रकार का अभी जीएसटी का रुझान आया है हमको लग रहा है कि मार्जिन में भले ही थोड़ा सा कटौती जरूर आई है लेकिन इनका ज्योग्राफिकल रीच, जो ब्रांड एक्सपोजर है, इससे इनको डेफिनेटली आगे आने वाले साल में फायदा होना चाहिए. तो कोई गिरावट आती है तो डिम्पी एक अच्छा हाउजरी शेयर है,
और यहाँ पे प्योरली अगर हम इसके अलावा और कोई पसंद है तो और भी ले सकते हैं, जैसे हमारे डिम्पी जी भी बहुत सारी ब्रांड्स हमेशा। अनिल जी, क्लियरली ये कंजम्पशन थीम है, अभी बनियान को एक ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बेचते हैं, इतने साल तक ये कंपनी थी तो इसका सबसे बड़ा बात यह है कि ये खुद कुछ बनाते नहीं, आउटसोर्स करते हैं। अच्छा। तो इनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है, इनके लिए मार्केटिंग ही सबसे बड़ी लक्ष्य ब्रांड ही अपने आप में। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, लक्ष्य नाओ लक्ष्य पे ना। चलिए ओके, लक्स ये आप कर सकते हैं खरीदारी। और स्टॉक्स हैं जो बड़े एक्शन में, एक और स्टॉक है बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, वो है रिलायंस कैपिटल। हर रोज गिरता है और हर रोज कोई ना कोई बेच जाता है, तो कल जो हुआ है मामला वो एक्सिस ट्रस्टी, इन्होंने लगभग 52 लाख शेयर बेच दिए 137.45 रुपये में। लगता है इन्होंने अगर पहले कुणाल जी की राय सुनी होती तो और पहले बेच देते, लेकिन ठीक है जब बेचा तभी बेचा। तो कुणाल जी आप ही बता दीजिए, रिलायंस कैपिटल बैन में तो है मेरे ख्याल से? हाँ बैन में है, क्या करना है इसमें? अनिल जी मुझे लगता है कि 115 तक जाना चाहिए, 133 रुपये का भाव कल बंदी के समय हमने देखा था, मुझे लगता है कि गिरावट और यहाँ पर बढ़ेगी, 115 रुपये तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। 115 पर बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि अभी भी इसका जो ट्रेंड है वो तो बहुत बेरिश है, और जिन्होंने शॉर्ट किया है उनको मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, 115 116 के लेवल्स आएंगे। अब क्योंकि स्टॉक में हमने 4 दिन में बड़ी गिरावट देख ली है तो यहाँ स्टॉप लॉस बहुत अहमियत रखता है, और स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 141 रुपये पर रखें, शॉर्ट की पोजिशन पर कायम रहना चाहिए। ठीक है किरण जी, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के ना आज नंबर है, कल के बिहेवियर देखने के बाद ऐसा लग रहा था जब 150 पॉइंट नीचे था निफ्टी, फिर भी शेयर हरे निशान में था, बल्कि डे हाई पे जाके बंद भी हुआ है, तो आज और चलेगा जब तक नंबर्स नहीं आते? ये 196 का बेस बना के ऊपर आया हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से टूटा था, 196 तक गया था। मेरा मानना है कि एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, मैं एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहा हूँ, 80 से करीबन 410 के लेवल्स टेस्ट हुए, अभी जो करेक्शन आया है वो सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन है जो कि बहुत अच्छा होता है, इधर से अगर यू टर्न लेता है तो मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। आज के लिए बात करें तो मेरा मानना है कि कल की जो मूव है वो एंटीसिपेशन से है कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, तो आपका 197 का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी 5 रुपए नीचे, अगर इसके नीचे जाता है नतीजों के बाद तो फिर चार्ट पैटर्न खराब हो जाएगा, पर मेरा मानना है कि ये पुलबैक रैली करीबन 210 से लेके 218 के टारगेट सबको देखने को मिल जाने चाहिए कम से कम। तो ये है आपके लिए स्टरलाइट टेक, नतीजों से पहले राय। आज नतीजों के लिए आज से कोरोमंडल इंटरनेशनल, ICICI सिक्योरिटीज और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये तीन और ऐसी कंपनियां कैश मार्केट की जिनके रिजल्ट्स पर आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ वोटिंग पर। अगर आज आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है, आपके यहाँ वोटिंग हो रही है, बाकी सब काम छोड़ दीजिए, और जैसा कि हमारा वादा है वोट कीजिए, शेयर लीजिए, हैशटैग का इस्तेमाल करें मेक योर मार्क, और आप अपना वोट कीजिए, फोटो खींचिए। अरे आनी चालू भी हुई, क्या बात है, दीपेन राठौर साहब ने फोटो भेजी है अपने परिवार के साथ, बहुत ही बढ़िया, अहमदाबाद से, मैंने कहा ना आपको अहमदाबाद से, गुजरात से बहुत सारी आएंगी, देखिए मितुल पटेल साहब, पटेल साहब है तो कहीं कहीं गुजरात से ही होंगे, पटेल साहब ने भी बड़ी अच्छी स्माइल बहुत अच्छी है पटेल साहब आपकी, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा ये, अरे वाह, पुणे में भी आज वोटिंग है, क्या बात है। अच्छा राजेश लीमे साहब ने बहुत ही, तो किरण जी भी आज वोट, अच्छा इन्होंने तो कुछ पंक्तियां भी बहुत अच्छी लिखी कि हम बहुत बड़े उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महोत्सव में सहभागी हो रहे हैं, राजेश जी ने, मैं अभी इनके ट्विटर पे देख भी रहा था। अच्छा तो बहुत अच्छी, पुणे से इन्होंने वोटिंग की है, और सौरभ पटेल बरोड़ा साहब से थोड़े गुस्से में जरूर है, शायद लाइन में समय लगा होगा, पहला वोट डालना चाहते होंगे यार, लेकिन हाँ फिर भी अपना कर्तव्य तो पूरा किया है। नरेश जैन साहब है, इन्होंने कहाँ से, फैमिली ये बताया नहीं, अरे पूरा HUF, अरे वाह जैन साहब का HUF पूरा वोट डाल के आया, तो बहुत बढ़िया बात है, और परिवार के साथ। निशांत शाह राजकोट से, इन्होंने भी अपना वोट कर डालने का काम पूरा किया है। ओके, और ब्रिजेश भट्ट है गुजरात से, गुजरात आगे है हर मामले में है। अच्छा अविनाश जी, अब आपकी जिम्मेदारी आएगी इनके लिए एक स्टॉक सजेस्ट करने की, ये सारे जो हमारे दर्शक हैं, हमारे दोस्त हैं जो अपना काम पूरा कर रहे हैं, तो हमें भी अपना वादा पूरा करना है, वोट कीजिए, शेयर लीजिए, बताइए। मुझे लग रहा है कि अनिल जी का जिस प्रकार का अभी हेडविंड क्रूड का चल रहा है, डिफेंसिव स्पेस में हमको IT में HCL टेक पसंद है, 1100 रुपये का भाव है, यहाँ पे अगर कोई खरीदता है तो कंफर्टेबली हमको लग रहा है कि 1275-1300 का टारगेट पॉसिबल है, यहाँ पे कम से कम 6 मंथ का भी अगर टाइमलाइन कोई लेता है तो रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली अच्छा रहेगा, ओवरऑल मार्जिन इंप्रूवमेंट प्लस जिस प्रकार के हेडलाइन नंबर्स US से आ रहे हैं
डेफिनेटली अगर कोई खरीदना चाहे तो ये एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो एचसीएल टेक है आपके लिए वो स्टॉक जिस पर आप नजर रखिए। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ और वो है इंडिगो का। राय आपको देनी है किरण जी। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है 1650 से बढ़ाकर टारगेट 1800 किया है इंडिगो का। मार्केट शेयर भी इनका थोड़ा बढ़ के आया है, 43% से 47% के आसपास पहुंचा है पिछले महीने का। जेट का नुकसान इनका फायदा, लेकिन सामने कच्चा तेल भी एकदम ऐसा है ना डरा रहा है। तो स्टॉक वोलेटाइल काफी है, खरीदना है 1490 के आसपास की बेचना है। अनिल जी ये जो ब्रेकआउट लेवल थी वो 1450 थी, उधर से लेके 1650 तक गई और पिछले तीन दिनों में वापस एक बार रिट्रेस कर रही है। तो मेरा मानना है कि 1450 के नीचे के जाने की संभावना बहुत कम है, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 1450 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, शायद 1430-25 से ये स्टॉप लॉस लेवल्स रहेंगे। 1450 के जितना नजदीक हो सके उतना बाय करें ताकि आपका रिस्क कम से कम हो और फिर ये वापस एक बार यू टर्न लेना चाहिए। चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। अनिल जी और एक चीज कहनी थी मुझे, आज पूना भी वोटिंग के लिए जा रहा है तो एक एनएससी का एक टैगलाइन है, सोचकर समझकर निवेश कर। इस बार मैं बोल रहा हूँ सोचकर समझकर वोट कर। क्या बात है, अरे वाह किरण जी वेरी गुड। आपका वोट किधर है पहले आप अपनी उंगली तो दिखाइए। आफ्टर 3:30 अनिल जी। कल मैं चेक करूंगा। नहीं मैं फोटो भेजूंगा ना अनिल जी। हाँ ये ध्यान रख लेना, मैं छोड़ता नहीं। बंसल जी को नहीं छोड़ा तो फिर आप तो देख सोच ही लीजिए। मतलब नहीं माफ कीजिए कुणाल जी को, बंसल जी का नंबर। बंसल जी अभी आपका नंबर लगा नहीं ना अभी तक। नहीं अनिल जी नंबर नहीं लगाया, बट अनिल जी एक चीज इंश्योर कीजिएगा, जिस तरीके से कुणाल जी ने फोटो नहीं भेजी कहीं किरण जी भी के हैं दोनों। हाँ। ये भी तो फोटो को गोल ना कर जाए किरण जी भी। कुणाल जी का आपने चेक नहीं, कुणाल जी ने वोट डाला नहीं डाला चेक किया नहीं कि आपने। नहीं अनिल जी वोट तो डाला है बट इन्होंने फोटो नहीं डाली। ठीक है वोट डालना जरूरी, फोटो आए ना। अब देखिए आज सैकड़ों दर्शक भेज रहे हैं अपनी तस्वीरें वोट खींचने के बाद। हमारी भी लिमिटेशन है, हम सारी तो शामिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आप एक चीज समझिए, आपकी फोटो टीवी पे दिखे इसके लिए वोट नहीं करना है, वोट देश के लिए करना है। टीवी पे दिख गए तो अच्छी बात है, ये तो हमारी तरफ से एक इंसेंटिव है कि आप टीवी पे दिख जाएं, आपको एक शेयर भी मिल जाए। ये हम हमारी तरफ से एक प्रयास करना चाहते हैं देश के लिए कि ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, लेकिन आपको वोट देश के लिए करना है, टीवी पर दिखने के लिए नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखिए, सेल्फी के लिए नहीं, शेयर के लिए नहीं। ये तो मिलते रहेंगे, हर रोज मिलते हैं, लेकिन देश के प्रति अपना कर्तव्य भूलें ना, ये ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ कर्तव्य से याद आया, हमारा भी एक कर्तव्य है निवेशकों को जागरूक करने का, थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का, सिखाने का। तो पढ़ने पढ़ाने की कड़ी में हम कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज और कल दो बढ़िया प्रोग्राम है। तो पहले आज के प्रोग्राम की बात कर लें। हाँ बिल्कुल। आज 10:30 है हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके म्यूचुअल फंड के MD आशीष सोमैया साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनसे हम करेंगे देश की बात निकल गए, इक्विटी की बात, इक्विटी की बात मोतीलाल ओसवाल के साथ। तो आज उनसे हम बात करेंगे 10:30। और आज का विषय जो है वो ये है कि आप सीधे शेयर खरीदे या फंड्स के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाएं, दोनों में फर्क क्या है और निवेशकों को क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है जैसे पिछली बार हमने रामदेव सर से बात की थी, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज, डबल कमाई। तो आज ये वाला है कैसे लगाएं पैसे, सीधे खरीदे शेयर या फिर कैसा लगा सर टॉपिक हमारा? सर काफी अच्छा है। इनफैक्ट जो आपका पहला टॉपिक था अनिल जी कंपाउंडिंग जी, वो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कैरी तो 10:30 आज की मंगलवार की बात है, लेकिन बुधवार को भी 10:30 होती है रिसर्च की बात। हाँ, रिसर्च गुरुकुल। रिसर्च गुरुकुल, तो रिसर्च गुरुकुल में इस बार का टॉपिक क्या? रिसर्च गुरुकुल का इस बार का टॉपिक है कि एक ही सेक्टर की कंपनियां कैसे अलग अलग आप पहचाने, कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है, किसी सेक्टर की कंपनी में क्या खास बात है। अब मैं क्या बताऊं, आप खुद देख लीजिए। दिखा देते, सेक्टर एक पर कंपनी अनेक, यानी कि एक खानदान में ढेर सारे बच्चे सब अलग अलग, तो उनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा कैसे पता चलेगा? ये तो मजा आएगा सर, हम समझाएंगे एक बार फिर दोनों साथ में रिसर्च गुरुकुल में। तो मंगलवार 10:30, बुधवार 10:30 फिक्स कर लीजिए ज्ञान की बात के लिए, एक रिसर्च गुरुकुल और एक में इक्विटी की बात। तो 10:30 और मंगलवार का और बुधवार का भी 10:30 ये फिक्स करना है आपको।